तो हे गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको दो ऐसे हाइलाइटर्स बताने वाला हूँ जो टोमो मोनो से बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे हाइलाइट्स दे सकते हैं आपके स्केच में। तो ये सबसे पहला हाइलाइट्स देने की चीज़ है ये। आप सोच रहे हैं ये पागल हो गया है, ये खाली पेन ला के रख दिया है। तो सच बताऊँ तो ये बहुत अच्छे हाइलाइट्स दे सकता है आपके स्केचेस में। अगर आप एक बिगनर हैं और आप पे इतना नहीं है कि आप महंगे महंगे मटेरियल्स खरीदो, जैसे कि टोमो मोनो हो गया, वाइट जेल पेन हो गया, तो नहीं खरीद पाते हो, तो ये आपके काम बहुत अच्छी तरह आएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छे हाइलाइट्स दे सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। तो मैं यहाँ एक स्माइली बनाने वाला हूँ और मैं उसे चारकोल स्टिक, जो सबसे ज़्यादा डार्क होती है, मैं उससे कलर करूँगा। तो आप खुद देख सकते हो उसके रिजल्ट क्या होंगे। और उसके बाद मैं 10B जो बहुत डार्क होती है, मैं उससे भी करूँगा। तो आप देखना कि उनसे हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं और ये पेन कितना अच्छा हाइलाइट्स दे सकता है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ। वाइट पेन पे, वाइट पेज पे ये सब नहीं दिखने वाला। तो मैं पहले दो स्माइलीज बना दे रहा हूँ। तो एक को तो मैं चारकोल से कलर करूँगा और दूसरे को 10B से। तो मैं पहले चारकोल से कर रहा हूँ, ये आपको दिखना शुरू होने लगेगा। अब मैं इसको ब्रश से ब्लेंड करूँगा। तो आपको दिख सकता है कि उधर जहाँ जहाँ मैंने स्माइली बनाया वहाँ वहाँ वाइट दिख रहा है, तो ये काम कर रहा है। अब मैं इसको 10B की पेंसिल से भी ट्राई करने वाला हूँ। ये थोड़ा टाइम लगाएगी, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत गाढ़ के करा है, बहुत ज़्यादा हार्डली किया है, और तब भी आप देख सकते हैं कि आपको इसमें वाइट लाइंस दिख रही हैं। कैमरे में इतनी अच्छी नहीं दिख रही होंगी, पर ये बहुत अच्छी तरह दिख रही हैं मेरे को। आप दोनों में देख सकते हो। चारकोल में आपको पाउडर भी प्रोड्यूस होता है, तो आप इसको स्टोर कर सकते हो, अपने स्केचेस में इस्तेमाल कर सकते हो। तो और दूसरी है ये है एक मैकेनिकल इरेजर। तो आप इसको थोड़ा कट करके इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी टोमो मोनो जैसी ही है, पर इसकी इरेजर वाली लेड थोड़ी मोटी है। तो मैं आपको इसको भी यूज़ करके दिखाऊंगा, पर ये चारकोल पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ये आपको 10B पे थोड़े थोड़े हल्के रिजल्ट दे सकती है, या आपको 6B तक अच्छे हाइलाइट्स दे सकती है। तो मैं अभी 6B की पेंसिल और 4B ऐसे सारे ग्रेड्स की पेंसिल दिखाता हूँ इस पर शेड करके। तो हे गाइस, तो मैंने यहाँ सारे के सारे ग्रेड्स बना लिए हैं और मैंने इसको पहले से ही थोड़ा सा कट कर लिया है। तो आप इसे कुछ ऐसे हॉरिजेंटली कट कर सकते हैं, जिससे आप अच्छे हाइलाइट्स दे सकें। तो मैं सबसे पहले इसको 6B पे आपको इस्तेमाल करके दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो इसमें आपको बहुत अच्छे हाइलाइट्स मिल रहे हैं, और ये अच्छी बात है। पर 10B पे इतना अच्छा काम नहीं करती तो है, पर बहुत कम करती है। तो अब मैं इसे 2B पे भी करने वाला हूँ। तो 2B पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे हाइलाइट्स दिए हैं। अब मैं इसको 4B पे भी ट्राई करूँगा। आप इसे देख सकते हैं, ये 4B पे भी बहुत अच्छी हो रही है। अब ये आखिरी HB पे ये खरी उतरेगी, क्योंकि HB सबसे लाइट होता है। और आप सोच रहे हैं बहुत पतले हाइलाइट्स आएंगे, तो ज़रूर आएंगे। इससे ज़्यादा अच्छे हाइलाइट्स किसी के नहीं आने वाले हैं। अब मैं इसको एक और बार चारकोल पे एक बार इस्तेमाल करके देखता हूँ कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले मैं चारकोल पे, अभी आप देख सकते हैं इसके हाइलाइट्स बहुत अच्छे आए हैं। पर अगर आप चारकोल को बहुत ज़्यादा ही डार्कली शेड करेंगे और बहुत ज़्यादा करेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये है सबसे डार्क और सबसे ज़्यादा डार्क यही है। तो मैं अब इसको इस पर भी इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये यही मात खा जाता है, ये अच्छे हाइलाइट्स बिल्कुल नहीं दे पाता है, क्योंकि ये बहुत डार्क है। चारकोल स्टिक बहुत ज़्यादा डार्क होती है, पर ये इतने रिजल्ट्स में आपको बहुत अच्छे हाइलाइट्स मिले हैं।
तो अगर आपको ये भी नहीं खरीदनी तो आप ये खरीद सकते हो। आप ड्राइंग से पहले इसको कुछ ऐसे 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 इस्तेमाल करके उसके बाद आप कोई भी पेंसिल चलाओ, आपको हाइलाइट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, आप इसको ब्लेंड भी करोगे तो भी वो हाइलाइट्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, तो अच्छी बात है ये। तो यही कुछ मटेरियल्स है जो मैं आपको बताना चाहता था, और बहुत अच्छे मटेरियल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार कुछ नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, गरीब का भला करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ हिट द बेल आइकन। बाय बाय।